विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विद्या स्थली वाले सर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं सुंदरज गुनेकर आपके लिए लेके आया हूँ आपके हिंदी ग्रामर का एक भाग, जिसका नाम है निबंध लेखन। हम अक्सर परीक्षाओं में देखते हैं कि निबंध कभी 10 मार्क का आ जाता है, कभी 8 मार्क का, कभी 7 मार्क का, लेकिन निबंध आता ही है, निबंध आता ही है। तो हम निबंध को कैसे लिखें? अक्सर हमें अनेक प्रकार के टॉपिक मिल जाते हैं जिसपे हमें निबंध लिखना होता है, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि उन टॉपिक को आप कैसे सटीक लिख सकते हैं, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, आज आप जानोगे। तो ध्यान दीजिए कि निबंध लेखन होता क्या है। ठीक है, निबंध लेखन, निबंध जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नी और बंध। नी का मतलब होता है निश्चित और बंध का मतलब होता है बंधा हुआ या बांधना। निबंध का अर्थ होता है बांधना, किसी साहित्य को बांधना, कम शब्दों में बताना अपनी बातों को, अर्थात गागर में सागर भरने के समान है निबंध। ठीक है, नी मतलब होता है निश्चित, निश्चित रूप से बंधा हुआ साहित्य निबंध कहलाता है। निश्चित रूप से बना हुआ साहित्य निबंध कहलाता है। निबंध एक गद्य साहित्य की एक विधा है, एक प्रकार है, गद्य लिखने का एक प्रकार है। ठीक है, निबंध जो है वो एक विषय वस्तु पर केंद्रित होता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उसके इर्द गिर्द ही सारा का सारा साहित्य लिखा जाता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर विषय वस्तु पर लिखा जाता है। ठीक है, अब निबंध जो है वो विचार और भाषा शैली का प्रयोग होता है। निबंध में विचार और भाषा शैली का प्रयोग होता है। आप उस विषय के बारे में कितना जानते हो, आप कितना सोच सकते हो, वही आपका विचार है। और भाषा शैली, निबंध में सटीक भाषा का प्रयोग किया जाता है, सटीक शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जब आप विचारों से कुछ साहित्य को लिखते हो तो आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, पाठकों को पढ़ने में आनंद आना चाहिए, ऐसी आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। सबसे पहले निबंध लिखने के लिए सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। और हर निबंध में, मैं आज आपको बताऊंगा कि हर निबंध में जो रूपरेखा होती है उनके क्या महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए, उनके ऊपर आप निबंध लिखोगे। वो चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना दे दे आपको, आपको कोई भी टॉपिक क्यों ना दे दे, आपको 4 बिंदु उस पे लिखने ही है, 4 से 5 बिंदु लिखने ही है। और आप चाहे तो, आपको अगर अच्छा आता हो तो आप और भी बिंदु ऐड कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे भूमिका, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। भूमिका या प्रस्तावना, किसी भी निबंध की शुरुआत हम सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। ठीक है, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे, फिर हम प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या होता है कि सबसे पहले हमें उस टॉपिक के बारे में बताना होता है कि ये टॉपिक किस विषय पर है, ये टॉपिक किस विषय वस्तु पर बना हुआ है, उसके बारे में हमें लिखना होगा उस प्रस्तावना में, उस भूमिका में, जिसे हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम महत्व लिखते हैं, क्यों जरूरी है अगर कोई टॉपिक आपको दे दिया जाए उसका क्या महत्व है, इस धरती पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रभाव, उस टॉपिक का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अगर आप बात कर लो समय का क्या महत्व है, क्या प्रभाव होता है उसका, वो हम लिखेंगे इन टॉपिक पर। सबसे पहले हम प्रस्तावना को लिखेंगे, उसके बाद हम महत्व को, उसके बाद हम उसके प्रभाव को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि लाभ और हानि क्या हो रही है इसकी, इस विषय वस्तु की लाभ और हानि क्या होती है। जैसे कि आप अगर मान लो कि आपको प्रदूषण टॉपिक विषय वस्तु दे दिया गया, कोई विषय आपकी टॉपिक आपको दे दिया गया है प्रदूषण पे, तो प्रदूषण के क्या लाभ है, क्या हानियां है आप उसे बताएंगे। ठीक है, प्रदूषण के लाभ तो नहीं है, हानियां ही होती है, तो आप हानियां लिखोगे, लाभ अथवा हानियां, और अंत में आप उपसंहार या निष्कर्ष लिखते हो। जो भी उस विषय वस्तु का जो भी उपसंहार आता है, निष्कर्ष जो भी निकलता है उसे आप अंत में लिख देते हो, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण निबंध है जो अक्सर आया करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट को हिंदी के क्यों ना आए, हिंदी के सब्जेक्ट में क्यों ना आए, वो ये निबंध आपको पूछे ही जाने होते हैं हमेशा। जैसे कि समय का महत्व, समय समय का महत्व आप जानते हो, समय का महत्व कितना महत्वपूर्ण है, समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, आप विद्यार्थी हो आप जानते हो समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, समय का दुरुपयोग होने से क्या नुकसान होते हैं आप जानते हो। तो आप समय का अगर महत्व आपको निबंध लिखने के लिए आ जाता है, तो आप देखिए
सबसे पहले आप जानोगे कि समय क्या है, उसके बारे में आप बताओगे समय कितना मूल्यवान होता है ये आप जानोगे। ठीक है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात जब आपकी कृषि ही सूख गई उसके बाद वर्षा हो रही तो ऐसी वर्षा का क्या लाभ, अर्थात जब आपका समय चले गया हो वो लौट के तो आएगा नहीं आपका समय। तो आपको समय का महत्व ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे समय के बारे में, उसके बाद समय का महत्व क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है समय, वो आप लिखोगे। उसके बाद समय का प्रभाव, समय का प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ता है समय का, अगर आप समय का सदुपयोग करते हो तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर आप समय का दुरुपयोग करते हो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद समय की लाभ हानियां तो होती नहीं है, होती है समय की आप लाभ हानियां भी निकाल सकते हो, अगर आप अच्छे कामों में आप समय का प्रयोग कर रहे हो तो उसके लाभ ही मिलेंगे आपको, अगर आप समय का दुरुपयोग कर रहे हो तो आपको हानियां ही प्राप्त होगी। उसके बाद हम जो भी निष्कर्ष लिखता है, निष्कर्ष निकलता है वो हम लिख लेंगे। उसी प्रकार जीवन में खेलों का महत्व, अब जीवन में खेलों का महत्व सबसे पहले वही आप प्रस्तावना लिखेंगे, खेलों का महत्व। अब महत्व क्यों है इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं आपको शारीरिक रूप से अगर तंदुरुस्त रहना है तो आपको खेलना जरूरी है, चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, आपकी के मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है खेल। ठीक है, खेलों के प्रकार आप लिख सकते हो, किस किस प्रकार के खेल खेले जाते हैं विश्व में, खेलों से क्या लाभ हानियां होती हैं आप जानते हो, क्या लाभ है, खेलों में क्या सुधार हो सकता है, आप उस टॉपिक उस बिंदु पर भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप उपसंहार लिख लोगे, उसी प्रकार विज्ञान एवं मानव, या विज्ञान अभिशाप, विज्ञान एक अभिशाप है ऐसा निबंध आ जाता है। तो विज्ञान आप जानते हो, विज्ञान की आप परिभाषा भी लिख सकते हो यहां पे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान को भी हम तोड़ेंगे तो वी धन ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो आप प्रस्तावना लिखोगे, विज्ञान की परिभाषा लिखोगे, विज्ञान एक वरदान है ऐसा क्यों कहा गया है वो आप लिखोगे, क्यों वरदान है विज्ञान, क्योंकि आप जानते हैं आप टेक्नोलॉजी के युग में देख रहे हैं कि विज्ञान की कितनी सारी देन है, तो वो एक वरदान के समान ही है। विज्ञान के नुकसान आपको पता है, विज्ञान के प्रयोग किस किस क्षेत्र में हो रहे हैं आप लिख सकते हो उन क्षेत्रों को। ठीक है, विज्ञान की हानियां और नुकसान भी होते हैं, लाभ और हानियां भी होती है विज्ञान की, वो भी आप लिखोगे, मानव ने विज्ञान का कैसे प्रयोग किया है, उसके क्या साइड इफेक्ट है वो भी आप लिख सकते हो, और उपसंहार अंत में आप लिख लोगे। उसी प्रकार विद्यार्थी और अनुशासन, तो विद्यार्थी हो आप, स्वयं एक विद्यार्थी हो आप, जानते हो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन का क्या महत्व है, तो आप प्रस्तावना लिखोगे कि विद्यार्थी क्या है, अनुशासन क्या होता है, परिभाषा भी लिख सकते हो आप। उसके बाद आप उसका महत्व लिखोगे कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, या अनुशासन का क्या महत्व है आप लिखोगे। उसी बात उसके प्रभाव लिखोगे आप, क्या प्रभाव पड़ता है विद्यार्थी होने का या न होने का। आप जानते हो कि भारत की शिक्षा दर कितनी कम है और देशों की अपेक्षा, आप जानते हैं लिटरेसी रेट भारत का कितना कम है, मात्र 2011 के आंकड़ों के अनुसार मात्र 73% ही शिक्षित वर्ग के लोग हैं, उनमें भी अधिकतर पुरुष हैं, महिलाएं नहीं है शिक्षित, या आप जानते हो। तो आप प्रभाव भी लिख सकते हो, क्या प्रभाव है उनका, लाभ हानियां, अगर विद्यार्थी अगर अनुशासन का पालन न करे तो उसकी लाभ हानियां भी है, अगर विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते हुए चले तो सही रास्ते पर जाएगा, अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, अगर अगर वो गलत रास्ते में चले गया अर्थात उसे नुकसान ही झेलना पड़ेगा, अगर उसके शासन उसके जीवन में अनुशासन नहीं रहा तो। उसी बात आप उसके बाद आप उपसंहार निष्कर्ष लिख सकते हो कि अनुशासन का महत्व क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है अनुशासन में रहने से। उसी प्रकार भारतीय समाज में नारी की स्थिति, यह भी महत्वपूर्ण विषय है, इस पर भी बार बार निबंध पूछा जाता है। आप जानते हो कि भारतीय समाज में नारी की क्या स्थिति है, आप प्रस्तावना लिख सकते हो उसके बारे में, नारी के बारे में। ठीक है, उसी के बाद आप जानते हो कि नारियों नारी जो रही है प्राचीन काल में उसकी स्थिति आप जानते हो, नारी की कैसे स्थिति रही है, पूजनीय हुआ करती थी, हम माता का दर्जा देते थे नारियों को, मध्य काल में नारी विषय वस्तु बन गई, उपभोग की वस्तु बन गई, और आधुनिक काल में अभी नारियां धीरे धीरे अच्छे मार्ग में जा रही है, अच्छे क्षेत्रों में उन अच्छे फील्ड में जा रही है, आप जानते हो। तो आप तीनों स्थिति प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल की नारियों के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नारियों का महत्व आप जानते हो,
आप नारियों का महत्व जानो कि नारी के बिना क्या संभव है क्या नहीं संभव है। आपने एक श्लोक जरूर सुना होगा, यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। ऐसा आप पहले पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, ठीक है। उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन पर, सभ्यता में आप लिख सकते हो, हानिया नुकसान तो है नहीं, या तो आप लिख भी सकते हो। इसी में आप दहेज प्रथा जैसी समस्या को, देशव्यापी समस्या को भी आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद उपसंहार कि नारी का क्या महत्व है, आप उसमें लिख सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है उपसंहार में, क्या निचोड़ निकलता है उसे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार प्रदूषण समस्या, आप जानते हैं प्रदूषण क्या है, आप प्रस्तावना लिखोगे, उसके बाद प्रदूषण की परिभाषा भी आप लिख सकते हो, उसके बाद आप प्रदूषण का महत्व भी लिख सकते हो, उसके प्रभाव लिख सकते हो, आप प्रदूषण के प्रकार को भी लिख सकते हो। आप जानते हैं कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं, आप उन प्रदूषणों को लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उपसंहार निष्कर्ष लिख लोगे, क्या निष्कर्ष निकलता है प्रदूषण से, है ना, आपके एनवायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। और वृक्षारोपण ये भी बार बार पूछा जाता है, आप जानते हैं कि धरती अनबैलेंस हो गई है, कहीं भी सूखा पड़ जाता है, कहीं भी बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं ज्वालामुखी पड़ जाता है, अर्थात हमने वृक्ष को इतने काटे हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, कि धरती पर अगर 100% किसी जगह पे भूमि है वहां पे 33% वन होना आवश्यक है, परंतु हमने वृक्षों का इस प्रकार दोहन किया है कि वो 33% घटकर अभी 20-22% से भी कम हो गया है, यानी कि हमने धरती को अनबैलेंस कर दिया है। औद्योगिकरण के क्षेत्र में, शहरीकरण के क्षेत्र को जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, वनों का विनाश होते जा रहा है, डिसबैलेंस हो गई है आपकी धरती। तो आप वृक्षारोपण को जानते हो क्यों जरूरी है, वृक्षारोपण वनों को लगाना क्यों जरूरी है आप जानते हैं, ठीक है। तो आप वनों का महत्व लिख सकते हो, वनों के न रहने पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप लिख सकते हो, कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, और वनों के क्या लाभ है, किन किन जगह पे हम प्रयोग करते हैं वनों का, वर्षा के, वर्षा क्यों होती है, वर्षा आप जानते हो क्योंकि वन ही बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तभी वर्षा होती है, आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उपसंहार निष्कर्ष लिख लोगे, उपसंहार या निष्कर्ष या जो निचोड़ निकलता है पूरे निबंध का वो लिख लोगे। और आज के युग में, अभी के समय में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो निबंध में आते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती जिस समय हुई थी, 2 अक्टूबर 2014, उस समय नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की, इस मूवमेंट की शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत अभियान, ये देशव्यापी अभियान चलाता है स्वच्छ भारत अभियान, इसको लेकर बिल गेट्स फाउंडेशन ने नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा था, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप जानते हैं क्यों जरूरी है अभियान, गंदगी के बारे में आप जानते हैं, प्रदूषण हो रहा है ये जानते हैं, बीमारियां फैल रही है जानते हैं, ठीक। अगर स्वच्छ न किया जाए, अपने वातावरण को स्वच्छ न रखा जाए तो क्या नुकसान है इसके, है ना, जैसे आपके मोहल्ले में गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना, नहीं तो आप कहीं पे भी फेंक दिया करते थे कचरे को, अब आप एकत्रित करते हो और गाड़ी जो आती है कचरे की, गाना बजाते हुए गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो आप इकट्ठा करके उनकी ट्रॉली में डालते जाते हैं, अर्थात गंदगी आपके जो परिसर में जो फैलती थी उसे आप समेटने लगे हैं। पहले आप क्या करते थे, मोहल्ले के सामने जाके फेंक देते थे या पड़ोस में फेंक देते थे बाजू में, परंतु आज स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव पड़ रहा है, आप लिख सकते हो उसके बारे में निबंध, क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या लाभ हानि है उसकी आप लिख सकते हो, और निष्कर्ष क्या निकलता है स्वच्छ रहने पर, देश का स्वच्छ होने पर या न रहने पर क्या निष्कर्ष निकलता है आप लिख सकते हो। उसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा भी है ये, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको कि बेटियों की शिक्षा स्थिति कितनी कम है पुरुषों की अपेक्षा, आप जानते हैं कितनी लिटरेसी कम है, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
क्योंकि हरियाणा में भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होती है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, 1000 पुरुषों पर 779 महिलाओं की स्थिति है, ऐसा लिंगानुपात कहता है, 2011 का आंकड़ा कहता है ऐसा। तो आप लिख सकते हो कि बेटियों को क्यों बचाना जरूरी है और उन्हें पढ़ाना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो निबंध। तो ये था आपका निबंध लिखने का तरीका, कि आप इसमें से विचार आपके मन की भाषा लिखी जाती है, आपको रटना नहीं है निबंध को, कोई भी टॉपिक आ जाए आपके सामने आपको रटना नहीं, आप उसके बारे में जो सोच सकते हो, जो विचार में ला सकते हो, उन विचारों को आप लिखोगे, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, सबसे पहले प्रस्तावना टॉपिक है क्या उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद महत्व क्यों जरूरी है, ये जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो क्यों जरूरी है, ये क्या महत्व पड़ रहा है इसका, ठीक है, प्रभाव क्या पड़ रहा है इसका, लाभारिया क्या निकल रही है उपसहार, इन 5 बिंदुओं पे लिख दिया। उसके बाद आप अगर चाहते हो तो एक दो बिंदु ज्यादा के आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है, और आपकी भाषा शैली महत्वपूर्ण हो जाती है, आपकी लिखावट वो महत्वपूर्ण हो जाती है, आप जो सोचते हो उसको आप कैसे लिखोगे वो महत्वपूर्ण हो जाता है, सही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। हम जब भी हिंदी लिखते थे हम बोलियों का कम प्रयोग करें, भाषाओं का ज्यादा प्रयोग करें, कभी कभार हम लिखने के चक्कर में बोलियों का प्रयोग करने लगते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, हमें भाषा का प्रयोग करना है व्याकरण के साथ, वो हमारी भाषा शैली होनी चाहिए। सबसे पहले निबंध लिखने के लिए आप रूपरेखा तैयार करोगे, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखोगे, उसके बाद रूपरेखा तैयार करोगे, रूपरेखा तैयार करने के बाद आप अपने विचार से और अपनी भाषा शैली का प्रयोग करोगे, और इन 5 बिंदुओं पर आप निबंध लिख सकते हो इजीली, चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना दे, अगर आप ये 5 बिंदुओं को ध्यान रखते हो तो आपके सामने कोई भी टॉपिक आ जाए आपको नहीं उस पर उतना सोचना है, बस इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आपको निबंध लिखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा निबंध।